कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों के लिए बांधा जाता है और पति पत्नी इस रिश्ते को 7 जन्मों तक निभाने के लिए कस्में भी खाते हैं। लेकिन हालिया दौर में ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है जिसमें गृह कलेश के चलते पति न सिर्फ पत्नी बल्कि संसार की सबसे बेशकीमती चीज यानी कि अपनी संतान को भी मौत की आगोश में सुला देता है। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से सामने आया है जहां एक पति ने पहले तो अपने फूल से तीनों बच्चों और पत्नी की हत्या कर दी, उसके बाद खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या करके अपना पूरा परिवार खत्म कर लिया। दरअसल मेरठ के थाना परीक्षितगढ़ क्षेत्र के रहने वाले रईस नाम के व्यक्ति का उसकी पत्नी से आए दिन गृह कलेश हुआ करता था। आज दोपहर के समय से घर का दरवाजा नहीं खुला तो पड़ोसियों ने इसकी सूचना थाना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची और पुलिस ने घर का दरवाजा खोला, जिसके बाद जब पुलिस अंदर कमरे में दाखिल हुई तो वहां का नजारा देखकर पुलिस वालों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। घर के अंदर 3 मासूम बच्चों समेत उनकी पत्नी की लाशें पड़ी हुई थी जबकि पति का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ था। फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। घटनाक्रम संज्ञान में आया है, एक घर है जहां 2 बजे से कोई बाहर नहीं निकला था। थाना पुलिस मौके पर गई, वहां पर देखा गया कि बाहर से गेट बाउंड्री का बंद था और कूद के गेट खोला गया। रईस नामक एक 37 वर्ष का व्यक्ति है, उसने अपने 3 बच्चों को और अपनी पत्नी को मार दिया और उसके बाद खुद उसने फांसी का फंदा लगा के सुसाइड कर लिया है। मौके से सुसाइड नोट बरामद हुआ है, फील्ड यूनिट की टीम वहां परीक्षण कर चुकी है, बाकी पोस्टमार्टम की और अन्य विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। सर सुसाइड नोट में क्या था? सुसाइड नोट में उसने लिखा है कि मैं अपनी पत्नी से बहुत परेशान था इसलिए मैंने ये काम किया है। इस घटना से एक बार फिर आज की उस जीवन शैली पर सवाल उठने लगे हैं जिसमें इंसान आपसी गृह कलेश के चलते अपना विवेक छोड़कर इतना भयावह कदम उठा लेता है और संसार के सबसे कीमती तोहफे को भी अपने हाथ से चकनाचूर करने से भी नहीं चूकता। हालांकि पुलिस इस घटना के हर पहलू की जांच कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट।